1971 में हिंदुओं की आबादी वहाँ 22% लगभग थी, 2011 में वहाँ हिंदुओं की आबादी 8.54% रह गई। जो बांग्लादेश के संस्थापक की मूर्ति को जिस तरह से तोड़ा गया, हालांकि यह उनकी अंदरूनी मामले हैं। हिंदू शिव भवानी सेना भारत सरकार से आग्रह करती है, विनती करती है, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नमस्कार, आप स्टॉक्स देख रहे हैं और मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। बांग्लादेश में हिंसा भड़कती है और उसकी आग पूरे विश्व में लग जाती है। हिंदुओं पर अत्याचार होने लगते हैं और लगातार ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आती है जिसमें दिखाया जाता है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मंदिर जलाए जा रहे हैं। इसी तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हिंदू शिव भवानी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष लव कुमार सिंह रुद्र हैं और हम बात करेंगे। हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो भी राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयास है वो सारे प्रयास करना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि जो बांग्लादेश है वो सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसा बनता जा रहा है? देखिए, आप इसे क्या कहेंगे, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन के आड़ में जिस तरह से यह इस्लामी भीड़ ने मतलब आरक्षण का विरोध हिंसक विरोध में तब्दील हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरह से इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन के आड़ में वहाँ की प्रधानमंत्री के अंडर गारमेंट्स को, मुझे बोलने में शर्म लग रहा है, अंडर गारमेंट्स ब्रा और पैंटी को जिस तरह से इन लोगों ने बहुत गर्व से दिखाया, खुलेआम हाथों में लहराया, इसे आप क्या कहेंगे? क्या इस्लाम की यही खूबसूरती है? क्या इस्लाम में औरतों क्या यही इज्जत है, यही सम्मान है? बहुत ही भयावह, बहुत ही दुखद, बहुत ही चिंताजनक है। बांग्लादेश को आज़ाद कराने में हिंदुओं की भूमिका रही है। जब आज़ाद हुआ था तो 28% के आसपास हिंदू वहाँ थे, अब 4% पर सिमट गए। देखिए, 1971 में हिंदुओं की आबादी वहाँ 22% लगभग थी, 2011 में वहाँ हिंदुओं की आबादी 8.54% रह गई, 2022 में 7% आबादी ऑफिशियल है, लेकिन लोग डाटा ये बता रहे कि 4 बनी चाहिए। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर हिंदुओं का पलायन हुआ या हिंदुओं को धर्मांतरण किया गया। जब इतने बड़े पैमाने पर जिसकी आबादी में कमी आई हो तो आप समझ सकते हैं वहाँ किस तरह से जुल्म और अत्याचार हुए होंगे। आप कुल मिलाकर बांग्लादेश की जो स्थिति है, जब भारत बांग्लादेश बना सकता है, जब भारत बांग्लादेश के को एक बांग्लादेश के रूप में मान्यता दे सकता है, तो हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार हस्तक्षेप भी कर सकता है। क्या ऐसा तो नहीं लग रहा कि पड़ोसी देश कुछ इनडायरेक्टली इसमें कोई खेल खेल रहा हो? देखिए, स्वाभाविक है, जिस तरह से इस्लामिक भीड़ ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, जो बांग्लादेश के संस्थापक की मूर्ति को जिस तरह से तोड़ा गया, हालांकि यह उनकी अंदरूनी मामले हैं, मुझे उनकी अंदरूनी मामलों पे हम लोगों को कुछ नहीं बोलना है, लेकिन आप हिंसा के आड़ में किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय को आप वहाँ प्रताड़ित कर रहे हो, या फिलिस्तीन को दुख पर रोने वाले लोग, फिलिस्तीन के दुख पर छाती पीटने वाले लोग, आज एक भी लोग बोल नहीं रहे जो कल छाती पीट रहे थे, आज हिंदुओं पर वहाँ हिंसा हो रहा है, ये लोग क्यों चुप्पी, इनकी चुप्पी क्यों है, इन लोग चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? सरकार से क्या मांग रहेगी आपकी? देखिए, हिंदू शिव भवानी सेना भारत सरकार से आग्रह करती है, विनती करती है, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए जो भी राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयास हो वो तमाम प्रयास होनी चाहिए, और हिंदुओं को जो वहाँ प्रताड़ित हिंदू हैं उनको भारत लाने की व्यवस्था की जाए, और यहाँ लाकर उन्हें व्यवस्थित किया जाए, और यहाँ से जो रोहिंग्या हैं उनको यहाँ से खदेड़ा जाए। हिंदू शिव भवानी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष लव कुमार सिंह। लव कुमार सिंह जी का साफ तौर पर कहना है कि जो हिंदू वहाँ प्रताड़ित हैं उनको भारत सरकार जल्द से जल्द लाने का प्रयास करें, क्योंकि जो आप दंगा देख रहे हैं, जो वहाँ पर हिंसा भड़क रही है, वो आप सबके सामने है। बाकी इस दंगा और इस हिंसा को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।